आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। लोहरदगा के झारखंड कुडू में बीजेपी और आजसू के बीच की खटास की तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। आजसू और बीजेपी दोनों पार्टियों ने ज्यादातर सीटों से अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। दोनों दलों के नेता भी अब खोलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगे हैं। हालांकि केंद्र को लेकर दोनों के बीच की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो सकी है। लोहरदगा के कुडू नवाटोली मैदान में आयोजित आजसू की जनसभा में पहुंचे सुदेश कुमार महतो ने जहां बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, वहीं वे केंद्र में बीजेपी के साथ की दोस्ती पर कुछ भी साफ साफ कहने में सावधानी बरतते नजर आए। जनता बनाएगी गांव की सरकार जनसभा को संबोधित करते हुए सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सुखदेव भगत जैसे अवसरवादी नेताओं का चेहरा जनता पहचान चुकी है कि वे जनता का नहीं बल्कि केवल अपना भला करना चाहते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने फैसला कर लिया है कि वह ना दिल्ली की सरकार बनाएगी ना ही झारखंड की, बल्कि गांव की सरकार बनाएगी। केंद्र में किस ओर होगी आजसू जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आजसू के सांसद के लोकसभा में सत्ता पक्ष या विपक्ष में बैठने के सवाल पर सुदेश कुमार महतो ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी के नेता एक साथ बैठेंगे, उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। फिलहाल इस विषय पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हड़बड़ी में नहीं है आजसू सुदेश कुमार महतो के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि आजसू पार्टी हड़बड़ी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहती है। चुनाव परिणाम आने के बाद की स्थिति पर ही बीजेपी आजसू के दोस्ती का भविष्य निर्भर करेगा। फिलहाल तो दोनों ही पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लोहरदगा से अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। और मैं परमानंद कौन के चरित्र को लोहरदगा की जनता ने देखा और पूरे झारखंड ने भी देखा है। अवसरवादी लोग से इस प्रदेश की राजनीति न इस प्रदेश की सेवा नहीं हो सकता, वो अपनी सेवा ले सकते हैं और वो हमेशा सेवा लेते हैं, सेवा देने नहीं जाते। ये झारखंड के जनमानस की गोलबंदी है। ये आज झारखंड के कोने कोने से लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं, उनकी नीतियों पर विश्वास कर रहे हैं। प्रथम बार पार्टी ने अपने फर खोले हैं और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को समेटने का और जनादेश लेने की तैयारी है। वो दायित्व तो समझ गए हैं। मुझे लगता है कि ये भटकाव उनके विचार का हो सकता है रविंदर भाई का, और इसी भटकाव के कारण आज कहीं किसी सदन के सदस्य नहीं। सर यहाँ पर आए और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने यहाँ पर नक्सल मुक्त किया है, मगर नक्सल मुक्त हुआ नहीं है। तो ये प्रश्न आप उनसे पूछिए, तीन बड़े हमले हुए उस पर क्या कहेंगे? ये साक्ष्य है, ये साक्ष्य है कि प्रत्यक्ष रूप से जो घटनाएं घटी है ये कहीं ना कहीं उस विषय का, उनके उन शब्दों का जवाब है। सर महागठबंधन का कहना है कि सुदेश जी स्थिति स्पष्ट करें कि किसके साथ जीत कर कहां जाएंगे, के साथ जाएंगे। पहले तो ये महागठबंधन वाले ये तय करें कि वो जीत के कहां से आ रहे हैं। उन्हें सर बड़े भाई साहब के लिए कुछ बोलिए, बड़े भाई के लिए कुछ बोलिए। अब आगे की कहानी, हमने स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ गए हैं हम, और स्वतंत्र रूप से पार्टी पूरे राज्य में एक बड़े बहुमत के साथ आएगी और प्रदेश की भावना और प्रदेश के लोगों के और इस राज्य के गठन के उद्देश्य के शर्तों के साथ ही प्रदेश आगे चलेगा। सर एक प्रश्न है कि गठबंधन की जो स्थिति है, तस्वीर है, वो स्पष्ट हो चुकी है। ऐसे में आपकी पार्टी के जो सांसद हैं वो सदन में पक्ष में बैठेंगे या विपक्ष? ये इस चुनाव का निर्णय आ जाने दो, पार्टी के पूरे यूनिट बैठेगी और आगे भविष्य के लिए निर्णय लेगी। पूरे सर 65 पार वालों का क्या होगा? आपकी बार गांव की सरकार या 65 पार? भाई आपकी बार तो गांव की सरकार। लास्ट सवाल है सुदेश जी, आपके खिलाफ बीजेपी ने प्रत्याशी सुरेश साहब, एक बार और बोलिए। तो दो बार और आज फिर से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया दे दें। नहीं देने के पीछे क्या षड्यंत्र है थोड़ा देख, मैं उनका नारा उनको अच्छा लगता है, मेरा नारा तो गांव की सरकार, चूंकि इस बार गांव की सरकार आने वाली है। आप बोलिए आपकी बार गांव की सरकार।